मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये कितने हैं, बट आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। सो हे व्हाट्स अप योर फैमिली, दिस इज अंकित। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, फिट होगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने आप लोग से कई बार कहा है कि आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस के डाउट पर रिप्लाई करने की, अदरवाइज उन डाउट्स पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो आज का डाउट क्या है, आपने थंबनेल देख रखा है कि एक दिन में हम कितने पाउच कॉफ़ी पी सकते हैं। आप लोग वर्कआउट करने जाते हो तो लोग अक्सर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, और ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। 2 रुपये वाली कॉफ़ी ली, पानी में डाला, पी लिया। तो लोग सोचते हैं कि एक पैकेट पीना सही है कि 2 पैकेट पीना सही है कि 3 पीना सही है कि 4 सही है, कितना सही है कितना नहीं किसी को नहीं पता। तो इस वीडियो में वो कवर होगा, और आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये डिसाइड करने में कि आपको कितने पाउच कॉफ़ी पीने हैं या नहीं पीने हैं। सिर्फ इस वीडियो में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं क्लियर करूँ, उसके पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आप आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है वो मिस ना हो जाए, उसके लिए उस बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो गाइस, एक पाउच कॉफ़ी में, ये जो एक पाउच कॉफ़ी है आप देख रहे हो, नेस्कैफे की साइट पर अवेलेबल है ये जानकारी कि इसकी एक पाउच में आपको मिलती है 70 mg कैफीन। मोस्टली प्री वर्कआउट्स में 200 mg, 250 mg, 300 mg, 400 mg तक कैफीन होती है। तो क्या हम इसको ओवरडोज कर सकते हैं, यानी कि 4-5 पैकेट पी सकते हैं? गाइस, ऐसी कई स्टडीज़ में ये चीज़ प्रूव हुई है कि एक इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अप्रॉक्स 400 mg कैफीन पर डे ले सकता है, सेफ है। बट मेरा मानना है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारा लाइफस्टाइल बाकी के देशों से अलग है, तो हमें 300 mg कैफीन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप वर्कआउट करते हो तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि क्या हम पूरे दिन में कॉफ़ी तो नहीं पीते हैं, एक कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी, 3 कॉफ़ी, कितनी कॉफ़ी पीते हैं। तो उस हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें ये कितनी लेनी है, क्योंकि कैफीन आपको फोकस देता है, फैट लॉस में हेल्प करता है, बट सही तरीके से यूज़ करना चाहिए इसे। तो मैं खुद इसके 2 पाउच यूज़ करता हूँ, यानी कि अप्रॉक्स 140 mg कैफीन मैं वर्कआउट के पहले लेता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहले मैं खुद एक पाउच कॉफ़ी ही यूज़ करता था, बट क्योंकि मैं कई प्री वर्कआउट्स के रिव्यू दे चुका हूँ और मैं कई प्री वर्कआउट्स को यूज़ कर चुका हूँ, उसकी वजह से मुझे मेरी कैफीन में 70 mg कैफीन नहीं समझ में आती अब। तो क्योंकि प्री वर्कआउट्स की आदत डालना बहुत लंबे समय तक सही नहीं होता, तो मैं जब प्री वर्कआउट से स्विच करता हूँ तो मैं कॉफ़ी पर आता हूँ और मैं 2 पाउच कॉफ़ी लेता हूँ। 140 mg कैफीन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, चाहे मैं स्क्वाट मारूं, बेंच मारूं, डेडलिफ्ट मारूं, चाहे मैं कितनी भी अच्छी इंटेंसिटी का वर्कआउट करूं, मुझे इन 2 पाउच से कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आप ये पूछना चाहते हो कि सेफ कितनी है, तो अगर आप पूरे दिन में कॉफ़ी नहीं पीते हो, पूरे दिन भर कॉफ़ी नहीं पीते हो, तो आप 4 पाउच भी ले सकते हो। बट अगर आप एक बिगनर हो, आप हमेशा एक पाउच से शुरू करो, एक ही पाउच से शुरू करो। अगर आप एक इंटरमीडिएट हो या प्रोफेशनल बन चुके हो, तो भी आप 2 पाउच ले सकते हो। 2 पाउच से ज़्यादा अगर आप जाना चाहते हो, बहुत हार्ड कैफीन आपको सूट करती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 3 पाउच ले लो, यानी कि अप्रॉक्स 210 mg कैफीन। इसके आगे मत जाओ प्लीज़, क्योंकि कैफीन की ओवरडोज करने से सबसे पहले चीज़ एडिक्शन होता है। आपको ज़्यादा कैफीन पीने की वजह से कम डोज कभी भी असर नहीं करेगी। अगर आप हमेशा 3 पाउच कॉफ़ी पी कर वर्कआउट करोगे, तो 1 पाउच कॉफ़ी आपको समझ में भी नहीं आएगी। मैं कभी कभी 2 पाउच के अलावा 1 पाउच भी ट्राई करता हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी मसल ट्रेन नहीं करनी है, बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन करना है, तो मैं 1 पाउच से भी कम चला लेता हूँ। बट मैं मोस्टली सच बता रहा हूँ, 2 पाउच कॉफ़ी यूज़ करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। आप भी अगर पहली बार प्री वर्कआउट लेने की सोच रहे हो, तो आप मेरी सलाह मानो, एक बार ही ट्राई करो। नहीं समझ में आया तो 2 बार ट्राई करो, यानी कि 2 पाउच ट्राई कर लो, तभी ना समझ में आए तो आपकी मर्जी। मैंने कई सारे प्री वर्कआउट्स के भी रिव्यू दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्री वर्कआउट्स के रिव्यूज़ की, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। आई होप कि मैंने ये जो डाउट था आपके दिमाग में, इसको क्लियर किया। बट इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ मेरी विनती है कि आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे जुड़ो, क्योंकि मैं बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर भी करता रहता हूँ, और तो और मैं वहाँ पर आपके सवालों के रिप्लाई करता हूँ, अदरवाइज उन क्वेश्चन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।